माँ जी, आपके बेटे होशियारचंद जी अभी तक नहीं आए। आ गया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम चौधरी होशियारचंद शिकारपुरी बारूद वाला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तलते हो? आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है, मगर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है? क्या करता है तू? बेचारे मेहमान है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो ना, मैंने थोड़ी बुलाया था इनको। कोई भी आता घर में बिठा लेती उनको। क्या है भाई, कोई चंदा लेने आप लोग? अरे नहीं साहब, हम लोग क्या चंदा मांगने वाले लगते हैं। पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है, मैं शादी के रिश्ते जोड़ता हूँ। मतलब शादियों के दलाल हैं आप? कैसे आना हुआ? पता चला आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसलिए लड़के को साथ लेकर आया। ये लड़के के पिता श्याम सुंदर जी हैं और ये लड़का गुड्डू, और ये उनकी माता जी हैं। तो लड़की को बुलाओ, लड़का लड़की को देखेगा, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो बाकी बातों की चर्चा हम आराम से कर सकते हैं। मलती! मलती! जब तक मेरे गले से हुकुम की आवाज बाहर नहीं आएगी, तब तक तेरे गले से कोई आवाज नहीं निकलेगी। मैं पहले इनको टटोल लूं, अपने दिमाग की कसौटीपन की हैसियत को घस लूं, जब इनकी हैसियत मुझे भा जाएगी तब मेरी बेटी इनके सामने आएगी। समझा भाई रे? जी जी जी। आप अपने शहर से लेकर यहाँ तक किस चीज में सफर करके आए हैं? बस में। आ? क्या बस में? बस में? यानी एक बड़े घराने की बेटी को अपनी बहू बनाने के सपने लेकर आए तो बस में? अरे मेरे दरवाजे पे भिखारी भीख मांगने आता है तो गाड़ी में बैठ के आता है, और ये लोगों के पास कार गाड़ी तक नहीं है। ये इतनी छोटी औकात के लोग? देखिए साहब, मैं आपको कैसी बातें कर रहा है? चुप कर बुढ़िया, मेरा सर फिरा हुआ है। और तुम मिस्टर दलाल, मैं तुमको बताऊं मुझे किस किस्म का दामा चाहिए जो दौलत में, जायदाद में, हैसियत में मुझसे 40 गुना कम से कम बड़ा हो। उसके गांव में इतने लोग नहीं हो जितने उसके घर में नौकर हो। वो तरकारी भी खरीदने जाए तो गाड़ी में जाए, ऐसा बस में लटक के नहीं आए। और दोबारा ऐसे बेशरम लोग लेकर आना नहीं जो 50 गालियां सुनने के बाद यहीं चिपक के बैठे रहते हैं। क्यों पंडित, तू कौन से जन्म का बदला लेने के लिए हमें यहाँ लाया था जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं हमारी? चलो। हाँ तो जाओ ना। दादा, बेटियों के बाप होकर लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? बेटियां घर में बैठी रह जाएगी तो क्या बेगारियों को उठाकर दे दो? जा अपनी जगह बैठो। बेटियां घर में बैठी, और तुम क्या हरे हुए लीटर के चमचे की तरह गर्दन लटका के बैठे? चलो डोबा निकलो। चलो। जा रहा हूँ लेकिन आऊंगा जरूर। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काहे के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं, चैन नहीं आएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। मिलने जरूर आऊंगा। क्या कहा है यार? चालिनी! ओ चालिनी! ये तो मेरी फोटो वाली है। अरे कहाँ हो तुम? अरे इसको क्या हुआ? दीदी! दाते हूँ मैं दल्दी है त्या, क्या हो रही है? क्या हो रही है? मामा, मामा जी, तुम दोनों ये पलाये बॉय के साथ क्या कर रही हो? गो घर, गो घर, गो 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 घर, गो। इतने मत देखो, जाओ। इसकी कौन हो तुम? खाना था क्या? आया हूँ। इस गांव में कोई होटल है? होटल बोतल? मैं दिन में तालाब नहीं पीता हूँ। अरे लगा यार इसके। इस गांव में कोई फाइव स्टार होटल है? धर्मताला नहीं है, फाइव स्टार होटल की क्या बात करते हैं? फिर कुंवर साहब रुकेंगे कहाँ? पहली बार इस गांव में पधारे हैं। कुंवर साहब? ये कुंवर साहब है? हाँ, एशिया के सबसे अमीर आदमी गजेंद्र प्रताप के बेटे महेंद्र प्रताप। तो फिर हमारे गांव में ये क्या कर रहे हैं? सीमेंट फैक्ट्री खोल रहे हैं, सीमेंट। सेक्रेटरी, जब तुम ये जानते हो कि इस गांव में फाइव स्टार होटल नहीं है तो हमारे आने से पहले बना देते। सॉरी साहब। जाते वक्त गांव वालों को दान कर देते। हाँ? मेरी बांधी मालती के लिए कुंवर साहब आते रहेंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? आप लोग मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम भिखारी क्या रहेंगे? ये दूसरी बात है कि मैं तकलते भिखारी लगता हूँ, लेकिन वो अब तक काते खानदान का बॉय
आप मेरे घर में चलेंगे, मैं एक नहीं चलूंगा। आप अंकल आप मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में। ड्राइवर साहब की जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, वो लंबी वाली गाड़ी आपकी है ना। मेलिसा मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी टोपी भी सेक्सी, मेरा चश्मा भी सेक्सी है। अरे कौन अंदर भिखारी मेरे घर में घुस रहा है? मेरे ताल पे मार्क आ गए ना। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। मैं हूँ आपका ताला आधा घर वाला। गोवर्धन तू क्या सर्कस में भर्ती हो गया क्या? ये सर्कस के कपड़े नहीं है, इम्पोर्टेड कपड़े हैं, मेड इन यूएसए। तो तेरे पास कहाँ से आए? दादी हमारे गाँव में सिंगापुर से तुअर साहब आए हुए हैं। दादी आपके बदन पे इतने बाल नहीं जितने उसके पास सौ सौ से नौत है। ये तर्द, ये तत्मा, ये टोपी सब उसी ने मुझे दिया है। ये सुंगो सुंगो मुंह क्या बना ले, सेंस है? ऐसी खतबू पहले कभी सुंगी है? जी दादी मैं तो कहता हूँ कि उसे अपने दर्द का दामाद बना लेते हैं। जी दादी बिटिया रानी तो खुश होगी होगी। हो सकता है कि हमको भी कुछ छोटा मोटा देश खरीद के दे दे। देश खरीद के दे दे? तेरे बाप का राज है? अबे कोई बेईमान फ्रॉड 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। मिठाई लेकर आता हूँ। अबे ठहर जा यार। अरे ये निकल गया कान का, ये आला लगा लगा जल्दी ये डाल दो अंदर। मैं ये कह रहा हूँ वो कोई 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। दादी आप भी फालतू में सब पे शक करते रहते हैं। वो 420 नहीं है, 840 है। 840? 840 फैक्ट्रियों का मालिक, उसके नौकरों के पास इतना पैसा है जितना आपके पास नहीं है। ठीक है ठीक है, मगर तुझे कहाँ से मिल गया वो आदमी? ऐसे आदमी को रास्ते में पले हुए मिल जाते हैं, मैंने उसे अपने घर में जा रहा है। मगर वो आदमी अपने गाँव में क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री बना रहा है। सीमेंट की फैक्ट्री? क्या बात कर रहा है? तो अभी कहाँ? वो सीमेंट की फैक्ट्री के साइड देखने गया है जहाँ पर वो फैक्ट्री बनाएगा। दादी चल। अरे कमाल का आदमी है। क्यों सर, ये क्या हो रहा है? अरे भाई मुझसे नहीं, हमारे साहब वहाँ बैठे हैं, उनसे जाकर पूछे। आप नहीं बताएंगे? जी नहीं। सेक्रेटरी। यस सर। देखो हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, वहाँ पर होगी। सर इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। और हमारा हेलीकॉप्टर, हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पर उतरेगा। और पिछली तरफ, पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर उसके लिए परमिशन। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। वेरी गुड सर। अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं गाँव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख लेता हूं। काम करो तुम इसको हमाली पर लगा दो। जी सर। अच्छा सुनो, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं अपनी ACBC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके छतरी आता हूँ। क्या क्या है? नहीं वो एसी कार सुनी थी, BC DC कार बहुत बड़ी कार है क्या? अरे हमारे साहब के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, तुम जाओ यार, तुम्हें अमाल का काम दे देंगे। अरे फिर से घूम के इधर ही आता है, हे बुड्ढा कहीं का। तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत रईस है, इससे तो मैं अपनी बेटी की शादी करा के रहूंगा। मैं इसके पैर पकड़ लूंगा, इसके घर में नौकरी करूंगा, कहूंगा ये अमीर इंसान मुझे गरीब इंसान की बेटी से शादी कर ले। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई तो मैं तुझे लड्डू में तोल लूंगा। नंबर वन उड़ा गया, चलो नाटक शुरू। ए उठ जा, रेडी है ना? हाँ सब याद है मुझे। गुड। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता कुंवर साहब। क्यों नहीं हो सकता? अरे कहाँ आप और कहाँ वो दो कौड़ी का मामूली होशियार चंद चौधरी और उसकी बेटी से आप शादी करना चाहते हैं? अरे उससे अच्छे तो अपने घर में नौकर है नौकर। मैं उसकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, उसे चाहता हूँ मैं, बस मुझे फजूल की हुज्जत नहीं चाहिए। लेकिन इस मामूली आदमी की बेटी से शादी करना आपके शान के खिलाफ है। मोहब्बत मजहब जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती सेक्रेटरी, मोहब्बत तो अंधी होती है रे। अरे चौधरी का लेवल आज नीचे तो क्या हुआ, हम उसकी बेटी से शादी करने के बाद उसे दो चार फैक्ट्री दान कर देंगे और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड खुद ब खुद उड़ जाएगा। नहीं 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 कुंवर साहब, भूल कर भी ऐसा गजब मत करिए, कहीं सिंगापुर में आपके डैडी को इस बात का पता चला तो वो कयामत मचा देंगे। अब कयामत हो या आपकी हजामत हो, हम तो ये शादी करके रहेंगे। मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे क्या गजब करते हो सेक्रेटरी साहब, क्यों मोहब्बत के शीशे को बुढ़ापे के पत्थर से तोड़ रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे ऐसे मामले में मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, ये तो फिर भी शादी का मामला है। और कुंवर साहब तुम फिक्र नहीं करना, मैं कराऊंगा आपकी शादी, मैं हूँ ना। तुमने जरूर कुंवर साहब पर कुछ जादू मंत्र किया है और अपनी बेटी को उनके पीछे लगा दिया है, वरना तुम्हारे जैसा मामूली इंसान क्या घंटे से मामूली मामूली मामूली
हमारे दीदाजी के पास भी 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़? हाँ। इनका तो सिंगापुर में 101 एकड़ का सिर्फ एक बाथरूम है। मैं अभी इनके पिताजी को फोन करता हूँ। सेक्रेटरी साहब, अरे नहीं नहीं, क्या करते हो सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी होकर मोहब्बत की बैटरी डाउन करते, समझा करो यार। अरे तुम समझा करो यार, इनके डैडी का गुस्सा तुम्हें नहीं मालूम? बात बात पे बंदूक क्या तोप निकालते हैं। अरे यार, हम थोड़े दिनों में शादी कर देंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। और शादी के बाद? शादी के बाद उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दो, किसका खत्म? वो तुम देख लो, मैं नहीं राजी। अरे यार तुम, ये सब पकड़ो। अब तो खुश, रिश्ता नक्की, बात पक्की, दूल्हा लकी, मुबारक हो, मुबारक हो। पंगे पंगे आ चिंगो पंगे चो चो जा चो जमा चो 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 थू पंगे को मार जा थू थू। पंडित जी, इसके तो 3 हिस्से होंगे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे पूछते क्या हैं श्रीमान, दिल में आइए, कलेजे में आइए, आंखों में आइए, नैनों में समा जाइए। आप आने की इजाजत मांग रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा भिखारी से भीख मांग रहा है। शादी की तारीख पक्की करने आए हैं, शगुन में कुछ लाए हैं। बेटी हा? शगुन जी। 17 तारीख कैसी रहेगी? अरे बहुत अच्छी रहेगी साहब। क्यों बेटे, अकेले ही आए हो? तुम्हारे पिताजी नहीं आए साथ में? नंगा चंगा पों। इंग माँ, इंगा पों। तू क्या करती है माँ? पिताजी को तू क्या शादी तोड़वाना चाहती क्या? ए होशियार, ज्यादा होशियारी मत दिखा, शहर जाकर कम से कम इनका घर तो देख ले। ये दादी माँ क्या करें? कुछ नहीं कह रही है, शहर जाकर मैं आपका घर देख कर आऊँ, क्या जरूरत है? दाओ। जरूर देखिए, जब जी चाहे देख लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। जब ये कहते ही है तो जाके देख क्यों नहीं आता? ठीक है माँ, मैं तेरी जिद भी पूरी कर लेता हूँ। कल जा रहा हूँ ना शहर जेवर खरीदने के लिए, तो आपका बंगला भी देख लूंगा। कौन सा बंगला? कौन सा बंगला है? मतलब कौन से वाले बंगले देखना चाहेंगे आप? मलबार हिल वाले, पाली हिल वाले या जू स्कीम वाले, कोई भी दिखा देंगे। देखा कितने बंगले इनके पास खाली कुड़ कुड़ करती रहती है। कोई 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 भी बंगला देख लूंगा। चंगा पंगा जू स्कीम जुआ। तो आइए हमारे जू वाले स्कीम वाले बंगले में, जिसका नाम है राजमहल। राजमहल हाथ शादी को चिपक गया क्या? तू अंदर चल, तू अंदर चल, तू गाड़ी निकाल चल। अरे ये बंगला है कि बंगाल है? मेरा दामाद। कैसा लगा बंगला? मेरी मेरी बेटी इस बंगले में राज करेगी। अरे ये तो नमूना है, इनके बाकी बंगलों के सामने ये घोड़े का तबेला है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तबेला? हाँ होशियार चंद जी, खड़े हो जाओ। सेक्रेटरी साहब, हाँ क्या रिश्ता लाए? दामाद मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। शाबाश। अरे राम, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। मुझे भी ऐसा लग रहा था। कहाँ आप और कहाँ मैं है? हमारे इस छोटे से घर में न जाने आपको कैसा लग रहा होगा। ओ हाँ, पिताजी आपके जूहू वाले बंगले के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे। बंगला? हाँ, हम लोग कल ही बॉम्बे जाएंगे और वहाँ रहेंगे। बम्बई की आबो हवा काफी खराब है, गांव में बड़ी अच्छी हवा चलती है। मेरा तो दिल ही नहीं करता कि यहाँ से कहीं जाऊँ मैं। जी 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 जी, कितने शर्म की बात है। मेरी सहेलियाँ ताना मारेंगी कि इतना करोड़पति पति और अभी तक ससुराल में पड़े हुए हैं। हम लोग कल ही बॉम्बे जाएंगे और जूहू वाले बंगले में रहेंगे। हाँ, ये तुम्हारी सुई बंगले पे क्यों अटकी हुई है? घर कल के कल देखेंगे, आज की रात तो बंगले की हुज्जत में मत गुजारो। नहीं, पहले आप वादा करो कि कल मुझे बंगले पर लेके ही जाओगे। अरे ठीक है भाई, मैं कल तुम्हें बंगले में ले जाऊंगा। आप कितने अच्छे बंगले हैं। ओह, मेरा मतलब आप कितने अच्छे पति हैं। मैंने सुना है बंगले में बहुत सारे कमरे हैं। बहुत है। और वहाँ बगीचा भी बहुत बड़ा है। काफी। और वहाँ मंदिर भी है। हाँ है। और 15-20 गाड़ियाँ भी, 30-40 बसें भी है। स्वर्ग से प्यारा बंगला हमारा। वाह। अरे
अच्छा दादी मैं चलती हूँ। बेटी अपने बंगले में जाकर इस बुढ़िया को भूल मत जाना। नहीं चाली नहीं है नहीं। पिताजी। बेटा हमने बड़े नाजुक से पाला अपनी फूल जैसी बच्ची को, ये जा रही आज हमसे विदा होकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा मन नहीं करता इसको विदा करने को। इससे आप लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है, अब मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा यही रहूंगा। मालती चल। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, लड़की को तो जाना ही पड़ता है, और क्या है लड़की के बाप को लड़की की विदाई के समय ऐसा झूठ झूठ रोना पड़ता है, तो चालू प्रैक्टिस है। जा बेटी चल चल चल। मामा जी। अरे मामा मेरे गोचू तू यहाँ क्या कर रहा है, ये खेलने की चीज नहीं है, उतर जा उतर जा। मैं नहीं उतरूंगा, मैं भी आपके साथ बंगले में जाऊंगा। ये गाड़ी में क्या कर रहे हैं? बेटा ये हमारी खानदानी परंपरा है, लड़की की विदाई के समय उसका मामा उसके साथ जाता है और उसका घर बस जाने के बाद वहाँ से वापिस आता है। देख बे गोवर्धन 24 घंटे इनका ख्याल रखना, साये की तरह इनके पीछे रहना, और बंगले का तो बहुत ही ख्याल रखना, सुबह सुबह उठ के बाग में पानी मारना, हिसाब संभालना, लाखों करोड़ों का हिसाब है, हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। नहीं दीदाजी, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, मैं साये की तरह इनके साथ चिपक के रहूंगा, फेविकोल की तरह। अंदर अंदर आओ मेरी गोदी में, मेरे प्यारे गोचू। देखा माँ, होशियार चंद की होशियारी, आखिर अपनी बेटी को राजा के बेटे कुंवर के पल्ले बांध दिया कि नहीं, है दुनिया में कोई मेरी तरह होशियार? राजू पुलिस जहाँ भी हो फौरन चलाए माइक के पास। अभी ये कौन आदमी मेरे नाम की बोमा बम कर रहा है यार? कोई बड़े मियाँ तुम्हें बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। कौन बड़े मियाँ? पता नहीं, वहाँ माइक वाले कमरे में है। माइक वाले कमरे में तू जाके देख। हाँ देखता हूँ यार। राजू कुली जहाँ भी हो माइक के पास आ जाए। चल रहे बाजू। राजू अरे ये साला इधर क्या कर रहा है? अरे ठहर जा मेरे जवाई राजा, तू कहाँ जा रहा मुँह फिरा? जवाई नहीं बुलाने का मेरे। नहीं नहीं मतलब होने वाला जवाई राजा, ऐसा भी नहीं बुलाने। अरे ऐसा कैसा नहीं बुलने का, वो जो तेरा दूसरा भाई है ना, वो मेरी बेटी का पति है वो। तो नहीं मतलब मेरे को अभी पता चला कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, बिल्कुल हम शकल हो। ए बात को रबड़ मत बना, मतलब की उल्टी कार चाल। तो उल्टी ये है कि मैं क्या करता है यार, मैं ये बोल रहा था कि तुम इतने बड़े खानदान के राजकुमार हो, शहजादे हो, और यहाँ ऐसा कुली का काम करते हो, चीज बहुत गंदा लगता है। मेरी बात माना तो अपने भाई के साथ चलते रहो। मैं एक बिल में 17 सांप के साथ रह सकता हूँ, मगर अपने भाई के साथ नहीं रह सकता। मगर काय को? इसलिए कि उसके कहने पर मेरे बाप ने मेरे को घर से बाहर निकाला, इनसे लट करके सिंगापुर से इंडिया पैदल चल के आया। मालूम है मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उसको तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। ऐसा मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? अरे छोड़, अपने भाई से जो वो मांडवाल नहीं करे। अरे हटना फुटना, मैं जा रहा हूँ तेरे बाप के पास। अरे क्या, अरे क्या बाप के पास जा रहा है, क्या कर? मैं जाके उसको बोलूंगा क्या नाटक लगा रखा, खुद तो बादशाह के जैसे रहता है, बेटे फकीर के जैसे रहते, ये सब चलने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे कौन से बाप के पास जा रहा है तू, वो जो है ही नहीं। अरे ये बुड्ढा फिर से आ गया, मैं किसे कर रहा हूँ, तू संभाल। अरे मैं संभाल के थक गया हूँ यार। चल। अरे किधर लेके जा रहा है? सवाल मत का खाली चल मेरे। अरे लेके किधर जा रहा है यार? अरे यार चल। क्या है रे, इधर काको लेके आया मेरे को तू? देख बेटा, बुजुर्गों ने कहा कि छोटे जो है ना बड़ों को तू नहीं कहते, आप कहते। ए चला, ए मैं तेरे को आप बाप साहब कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तू बोलूंगा तू, सुनने का है तो सुन। अच्छा मेरे बाप, मैं तेरे को आप बोलूंगा, तू मुझे तू बोलना, खुश? अच्छा भी तू है ना, यहाँ बैठ, मैं तेरे को सरप्राइज देता हूँ। क्या देगा तू मेरे को यार, तकलीफ के सिवा तू कुछ नहीं दे सकता बड़ो। इसको यहाँ पर क्यों ला रहा है, ये तो मेरी साली है यार। जीजा जी? नहीं नहीं, ये जीजा नहीं, क्या करता है ये जीजा नहीं, ये उसका छोटा भाई है राजू, कुंवारा है। अरे मेरी छोटी बेटी है शालिनी, कुंवारी। मेरे को तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों, ये बार बार कुंवारे पे इतना जोर क्यों डाल रहा है तू? बताता हूँ बेटी, काम करिए कुंवारे के लिए नहीं, राजू के लिए थोड़ी चाय लेकर आना जल्दी। कितना हंसता है यार।
तो सरकार आज से है ना आप इसी घर में रहेंगे। भाई हाँ। कभी सुना है क्या कोई शेर किसी चूहे के पिंजरे में रहो? नहीं, आपका इस घर में रहना बहुत जरूरी है। चलना फुटना, आप इस घर में नहीं रहेंगे। चले हवा दे, चल। आप इस घर में नहीं रहेंगे। चले जाना यार, भटना। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बाप के पास। मैं जाऊंगा तेरे बाप के पास, वहाँ जाके चिल्लाऊंगा, तेरे नाम लेके बर्तन फोड़ूंगा, पर्दे उखाड़ूंगा, एक एक सोफा बार फेंक दूंगा। पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया। सुन मेरी बात, मैं रहता हूँ यहाँ पर। अरे रहता हूँ यहाँ पर यार। तो कितना महान है वो, तुम्हें हुई यार। तो जैसा महान आदमी मुझ जैसे महान आदमी का दामाद बन जाए तो कितनी महान बात हो जाएगी। कौन दामाद? तू किसका? मेरा। पागल हो गया क्या? मैं जा रहा हूँ तेरे बाप। सुन, दामाद की बात कर रहा है ना? हाँ ठीक है, आगे बोल फिर। चलो दामाद तो हो गया, मगर आज से तू कुली का काम नहीं करूंगा, भांड बन जाऊ। हाँ। नहीं नहीं, टैक्सी चला मैं खरीद के दूंगा, उसमें डबल फायदा है, मेहनत भी कम आमदनी भी ज्यादा। ठीक है, सोच के बताऊंगा। चल मैं जा रहा हूँ बाप के पास, टैक्सी चलाता हूँ मैं। कितना हंसता रहता है वो। कौन है ये आदमी? इसको देखा है मैंने कहीं? बहुत बार देखा है, तेरी बीवी का मामा है। इस बेचारे का ये हाल हो गया। अरे सुन, तू अटाम, तू अटाम ने लेने आया है। तो जी तू मुझे इधर क्यों लाया? मैं मर गया। तू अरे रुक जा, थोड़ी मैं अरे थोड़ी अब तोलू वाले थोड़ी और सकते ही तक चल रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सच्ची लोग को अरे मुझे बताओ, अरे तू अटाम सच्ची लोग को मुझे लैंड को थोड़ी थोड़ी मैं चल जाऊँगा थोड़ी। अरे अरे मरना है क्या? अरे राजू ये तो गोंद की तरह चिपके गया। तुवल जी कुली के कपड़े में कहीं ये कुली तो नहीं है? आज मैं इसको इतना सताऊंगा कि ये मुझे घर से निकाल कर ही रहेगा। ए बनबे किधर है? अरे आज मेरा दामाद। अरे मैं कब से तेरा हाथ हटा इंतजार कर रहा था। आई को कर रहा था क्या? बुड्ढी खुसट औरतों की तरह मेरे पीछे पड़े लाए। हाँ तू क्या मेरी पत्नी है क्या? क्या ही मेरे मीठे दामाद, खाना लगाऊं? ये क्या खाने का टाइम है? तो जा जाके सोडा वाटर ले किया, गिलास लगा, आइस लगा, चल। सोडा वाटर? पेट में गुड़गुड़ हो रही है क्या? क्या मुड़ की माँ बहन कर लाए? मेरे पेट में गुड़गुड़ नहीं हो रही है, मेरे को दारू पीने का है। जब तक रात को दारू नहीं पीता हूँ मेरे को नींद नहीं आती है। तू 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 बुरा लगा ना? हाँ। अब तो घर से बाहर निकल। नहीं काको, दारू पीना बुरी बात थोड़ी है, मगर इतनी घटिया दारू पीना बहुत बुरी बात है। मेरे पास अच्छी दारू है, मैं वो लेकर आता हूँ। साला बुड्ढा किसी एंगल से मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या है? ये बोतल? ये बोतल है कि पूरा होटल है? ये होटल में दारू? अरे मेरे को नहीं पीने का यार। मैं पिलाऊंगा। अरे नहीं, ये मेरे को चढ़ने वाली नहीं है। मैं चढ़ाऊंगा। अरे नहीं बोल रहा ना यार। तू तो अरे कितनी कड़वी है, नीट पिला रहा क्या? शुरू शुरू में कड़वी लगती है, बाद में शक्कर इसके मुकाबले में कड़वी लगती है। पीले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये किधर गए? अरे होशियारचंद, तू मेरे को क्यों फंसा रहा है? मेरे को मालती को घुमाने ले जाना है। छोटी बड़ी, मेरे कपड़े तो ठीक है? क्यों? बड़ी मुश्किल से घुसे हुए इनमें। देखो वो राजू कुली कभी भी आ सकता है। पहले पता लगा नहीं सेठ जी कौन से वार्ड में। हाँ हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू यहाँ क्या कर रही है? ए, कौन है तुम? हम लोग सिंगापुर के डॉक्टर हैं। कहिए आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मेरी एक समस्या है बेटी, जरा इधर आना। ये है ना ये तेरी माँ की आँख हो गई। क्यों? ये लो बच्चा गिरने है। घबराइए मत, घबराइए मत, मैं 20 मिनट में सब ठीक कर दूंगी। अच्छा? मैं तुम अंदर आओ। घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगी। अंदर आ जाइए। मैंने बहन बोला है, बाप नहीं।
मैंने आपको कहीं देखा है। चल हट थरकी। हाँ?